भैया आज हमारे पास स्कॉर्पियन का Z8L मॉडल, ये इसका बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट लुक से। यहाँ पर सबसे पहले तो क्रोम एक्सेसरीज भर भर कर लगा दी गई है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं एंड एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, इसके अंदर एक क्रोम लाइनिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर ये जो एक्सेसरीज का पार्ट है, बाकी ये स्ट्रॉन्ग हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पर आपको ये DRLs मिल जाती हैं एंड ये फंक्शनिंग में है, इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं। एक DRLs आपको यहाँ मिल जाती है, फॉग लैम्प की प्लेसिंग यहाँ पर है। एक यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बाकी नीचे की साइड आपको स्किड प्लेट वगैरह प्रॉपर मिल जाती हैं, नया वाला लोगो एंड यहाँ पर कैमरा भी दिया हुआ है क्रोम लाइनिंग के साथ। इसके फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। ठीक है, साइड में जो ये है जो फॉर्च्यूनर के अंदर साइड वाला हिस्सा मिलता है वो यहाँ पर भी लगा दिया गया है, ये इसके लुक को और भी ज़्यादा इनहेंस कर रहा है। एंड आप साइड से जैसे देखेंगे तो एक्सटेंडेड सी लगेगी बाहर को निकले हुए, तो जो कि एकदम काफ़ी बढ़िया एक्सेसरीज है, ये भी आप लगवा सकते हैं। कंपनी फिटेड ही, आफ्टर मार्केट भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल इसके फ्रंट लुक कुछ तरीके के निकल कर आते हैं। रेन सेंसिंग इसके अंदर वाइपर रहने वाले, एडवांस वाले वाइपर एंड कुछ तरीके के इसके फ्रंट लुक है। साइड लुक के बारे में बात करते हैं तो साइड की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक क्लैडिंग्स मिल जाती हैं बड़ी बड़ी, इसके ऊपर ये क्रोम लाइनिंग जो है ये एक्सेसरीज का पार्ट है। कम्प्लीटली एक्सराइज्ड वर्जन आप जो देख रहे हैं। ये डोर हैंडल्स पर भी आपके क्रोम एक्सेसरीज मिल जाती हैं, ये तो आपका कंपनी फिटेड ही आएगा इस मॉडल के अंदर। ये एंड रेन वाइजर जो है आपको मिल जाते हैं, ये वाला पोर्शन आपका एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये कंपनी के साथ ही आता है। ऊपर की साइड आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स मिल जाती हैं, बाकी यहाँ पर साइड स्टेप मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। ये बॉडी मोल्डिंग्स के साथ प्रॉपर मिल जाती है, मड फ्लैप वगैरह यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं R18 इंचेस के अलॉय व्हील्स एंड यहाँ पर फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक है एंड रियर की साइड भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यानी कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक का सेटअप है। ग्राउंड क्लियरेंस की नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 183 mm की समथिंग है, बट एक्चुअल में आपको भी पता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, 200 mm से ये ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी ओवरऑल साइड लुक कुछ इस टाइप के आने वाला है। बात करेंगे रियर लुक के बारे में तो पीछे की साइड में आपको ये कम्प्लीटली फंक्शनिंग के साथ DRLs मिल जाते हैं। अगर ऊपर तक का पोर्शन इसका फंक्शनिंग में होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ तक का ही है जो कि दिखने में ठीक ठाक लगता है। लोग बाकी से बोल रहे थे वैगनआर जैसा है, बट अभी जो है इसे कोई कहता नहीं है क्योंकि अब तो इसे डिफेंडर की रेंज में लोग गिनने लगे हैं। बाकी स्कॉर्पियो N की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम लाइनिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक है। बाकी चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ये पार्किंग लैंप दिए गए हैं फंक्शनिंग में कम्प्लीटली, रिफ्लेक्टर इसके फंक्शनिंग में नहीं है। इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि वर्किंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, डोर हैंडल मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर, तीनों डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। एड्रेनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है एंड कुछ इस तरीके का इसका रियर लुक। पीछे की साइड आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद स्पॉयलर एंड पीछे का बूट स्पेस कुछ इतना बचता है अगर आप ये वाला वर्जन लेते हैं तो। यहाँ पर कुछ ना, बाकी इसे फोल्ड भी कर दे सकते हैं, फोल्ड करने के बाद आपको अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। एंड ये है कैप्टन सीट वाला वेरिएंट जो कि एकदम कंफर्टेबल आपको राजा वाली फीलिंग देने वाला है। बाकी लेदर सीट अपॉर्चर पीछे तक मिलने वाली है, लैंप वगैरह पीछे की साइड मिल जाते हैं, ये हैंडल्स वगैरह हो गए, बाकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी होते ज़्यादा बेटर होता। एंड पीछे की साइड ही सबवूफर हो गए, स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, डैशबोर्ड ले और पीछे की साइड से विजिबल कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड कुछ यहाँ पर ये हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। अभी अंदर बैठ के बात करेंगे इसके ओवरऑल इंटीरियर के बारे में ही। एंड बूट स्पेस कुछ इतना बचता है, फोल्ड करके ही अगर आप बूट स्पेस लेना चाहें तभी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा। अभी गाइस नॉर्मली अगर आप शोरूम से जाकर ये गाड़ी लेते हैं तो आपको 28 लाख के समथिंग जो है ये कार पड़ने वाली है, बट यहाँ पर जो आपको ये गाड़ी जो है मुश्किल से एक साल भी इसे गाड़ी को पूरा नहीं हुआ एंड ये कार आपको मिल जाएगी 25 लाख रुपए के समथिंग, जो कि प्राइस नेगोशिएबल है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कार को ले जा सकते हैं एंड स्कॉर्पियन की तरह ही काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। आप चाहे वो महिंद्रा थार हो या स्कॉर्पियो क्लासिक हो या फिर स्कॉर्पियन का कोई अदर मॉडल हो एंड इवन किया की काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाती है, सोनेट सेल्टोस के कोई से मॉडल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर अगर आपको कोई सी भी कार लेनी है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड ईजिली आपको कार मिल जाएगी एंड प्राइस भी एकदम रीजनेबल रखे जाएंगे। यहाँ पर एड्रेस की बात करूँ तो गंगा कार बाजार हरिद्वार में आकर आप अपनी कार को ले जा सकते हैं इजिली, ज्वालापुर में अवेलेबल मिल जाएंगी सारी गाड़ियाँ इनकी। काफी सारी गाड़ियों का कलेक्शन एंड नंबर जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके इजिली अपनी कार को ले जा सकते हैं अपने घर पे। अब चाहे पेट्रोल कार हो या डीजल कार हो, यहाँ पर महिंद्रा सबसे अच्छा इंजन बनाती है तो इसलिए कारों को मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है एंड सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन जो है वो महिंद्रा ही कार्स के रहते हैं। बाकी मेनली बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर की साइड आती है सबसे पहले इसका डैशबोर्ड लेआउट देख लीजिएगा आप एंड
इंफोटेनमेंट सिस्टम पर जो है इसकी ये स्क्रीन प्रोटेक्शन गार्ड भी लगा हुआ है। बाइक कार के अंदर हमें मिल जाते हैं 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ को सपोर्ट करता है। यूआई भी काफी अपडेटेड रहने वाला है इसका। बाकी की महिंद्रा की कार्स की तरह यहाँ पर भी आपको सभी टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। एड्रोनिक्स कनेक्ट के फीचर मिल जाते हैं एंड 12 स्पीकर रहने वाले इस गाड़ी के अंदर जिसका साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया ही रहने वाला है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं एकदम काफी डैशबोर्ड लेआउट भी एकदम सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ रखने वाला है। यहाँ पर ये पूरा हार्ड प्लास्टिक मटेरियल ऊपर के साथ डुअल टोन की फिनिशिंग के साथ एंड यहाँ पर ये स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है छोटी सी। ग्लव बॉक्स भी अंदर भी डिसेंट इनफ स्पेस मिल जाता है। कूल्ड में रहने वाला है ग्लव बॉक्स। बाकी डुअल जोन में क्लाइमेट कंट्रोल एंड यहाँ पर ये कैमरा है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड एंड रियर साइड के कैमरा मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। वाइड एंगल में आप देख सकते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों ही। अब इसमें 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मिलता बट फ्रंट एंड रियर का मिल जाता है जो कि काम वही करता है। बाकी यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल एंड ये ड्राइव मोड यानी कि काफी सारे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं एंड डुअल जोन में एसी रहने वाला है इसका। यहाँ से इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं कंप्लीटली। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है डुअल जोन में। बाकी गाड़ी के अंदर फीचर्स तो भर भर के मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं एंड ये ऑटोमेटिक में अंदर एंड यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है जिसके अंदर भी आपको अगेन स्पेस मिल जाता है। छोटा मोटा अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड ये ब्राउनिश फिनिशिंग हर जगह देखने को मिल जाती है। सीट्स में यहाँ पर आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री के साथ मिलने वाली है एंड ये कुशन इसके साथ ही मिलने वाला है आपको एक्सेसरीज वाला। बाकी सीट्स काफी बढ़िया है लॉन्ग राइड के लिए एकदम कंफर्टेबल। बाकी सनरूफ मिल जाती है ऊपर की साइड एंड स्पीकर वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं छत पर भी एंड ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है। एलईडी में लैंप मिल जाते हैं एंड ऑटो डिमिनिशिंग वाला इसका आईआरवीएम नहीं है। एंड पीछे की साइड देखेंगे तो काफी कंफर्टेबल इसकी सीट्स रहने वाली है। कैप्टन सीट विद आर्मरेस्ट एंड पीछे की साइड का हेडरूम वगैरह भी अच्छा खासा क्योंकि कार इतनी बड़ी है जिसके अंदर बिल्कुल भी क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। एंड गाइस अभी इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं तो कुछ तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग में मिलने वाला है। टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिल जाते हैं। बाकी बीच की साइड जो एमआईडी देख रहे हैं यहाँ पर आपको सभी टाइप की रेंज वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो जाती है। बाकी क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। एडास तो नहीं मिलता। बाकी मीडिया कंट्रोल्स एंड महिंद्रा का नया वाला लोगो एंड डी कट वाला इसका स्टेयरिंग है। काफी बढ़िया सा इसका स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है। बाकी गाइस अभी इसकी सेफ्टी के बारे में बात करूं तो 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट रेटिंग हो चुकी है इस कार की। तो हम कह सकते हैं कि ये कार काफी हद तक सेफ रहने वाली है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके अंदर। सभी टाइप की सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक कार के अंदर होने चाहिए। बाकी ब्लैक कलर में इस कार के लुक को और भी ज्यादा एनहांसमेंट मिल जाता है। इवन इन द एवरेस्ट व्हाइट कलर में ये कार इतना नहीं निखर कर आती है। ये कलर इसका एकदम स्पेशल रहने वाला है। बाकी इस कार का साइज जो है वो इस साइज की कोई भी गाड़ी इस पूरे ही सेगमेंट में नहीं आती है। महिंद्रा इस कार को बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी ऐसे ही नहीं कहती। कोई रीजन है तभी कहती है। ये वाकई में साइज में सबसे ज्यादा बड़ी है। एंड गाइस अगर आप भी इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको पता है ये कार कहां से लेनी है, स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं वहां पर आप इजीली कॉन्टेक्ट करके इस कार को ले सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट है 25 से 26 लाख का तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे इस बजट रेंज में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।